जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। इस टाइम मैं जंग सिटी में हूँ और आपको पता है पंजाबी दी मिसाल लोकियां दे, तू डीसी झंग लगा। यानी ये जंग अंग्रेज़ दौर से बहुत बड़ी डिवीज़न थी, इसमें कितने ज़िले निकल चुके हैं। जंग में मैंने रात जलसा किया शोरकोट के करीब और वापसी पे आए और सारी पेट्रोलिंग पुलिस इतनी अलर्ट थी कि रात के 2-3 बजे जो पहरेदार भी सौ जाता है, मगर मैंने देखा है कि पुलिस जाग रही थी। मैं फिर हंस के उन्होंने कहा भी हूँ तुम मेरे चन्न नाके से जाग रहे हो तो आ रेहड़ियाँ खाओ, कड़े मुँह कट्ठा बड़ा गया है सड़कों का, तो मैं अपने चन्नों को पैगाम दूंगा कि पुलिस जहाँ नाके पे खड़ी हो इनको सलूट मारा करे। कि वो कट्टे च खलोना तो हैपाटाइटिस करानी ये को हर एक बस का काम नहीं कि सारे मुल्क की जनाब जी टेस्ट नाके ते उठती है, गड्डियां लंघ दियां तो छू कर दे लैंड क्रूजर V8 TXT Z फॉर्चूनर BMW फोरिंग ओडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टज साबनदानी मेहरान ने लागों लैके लंघ दे। अगर आपको ये हाथ दें तो इसमें आपका फ़ायदा है तोहीन नहीं है, तो आप इनके कहने पे नाके पे रुका करें, गाड़ी के शीशे नीचे किया करें और उतर के मिला करें, इनको गले मिला करें, ये आपकी फास्त के लिए खड़े हैं। 30-40 हज़ार तनख्वाह इनकी होती है, तो उसमें कोई खड़ा होता है रेस्ट में कोई 6 माह खड़ा होकर दिखाए कान बोले हो जाएंगे, बेगम तुहानू पिज़्ज़ा कहेगी तुम छलियाँ लै होगे, तुहानू समझ नहीं आनी की क्या है। इस वास्ते इनके कान इनके सारा कुछ महकमे की बदौलत आपके लिए कुर्बान हो जाते हैं। कानों में इतने हारनों की आवाज़ पड़नी, मेरा ये खसूसी पैगाम है कि DPO जांग साहब जो हैं इस टाइम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खिदमत पुलिस मरकज़ बना रहे हैं और मुख्तलफ थानों को मॉडलाइज कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह राशिद भाई के टंडोर में सारे जंग के थाने मॉडलाइज हो जाएंगे और खिदमत पुलिस मरकज़ कायम हो जाएंगे। और मैं अपील करता हूँ सभी जितने साबे असियत लोग हैं वो अपने इदारों के साथ तावन करें और पुलिस के लिए, अदारे के लिए और पाकिस्तान के हर शहर को महफूज बनाने के लिए आप उधर अपना अपना हिस्सा डालें ताकि पाकिस्तान का इदारा पुलिस जो है मजबूत हो। थैंक यू, मेरा चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। आई सल्यूट यू पंजाब पुलिस।